हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8th के तीसरे चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको पहली एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज 3.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, इनका आपको क्यूब निकालना है। तो क्यूब होता है पावर 3, तो जब 5 की पावर 3 है तो हम क्या करेंगे, 5 को 3 बार लिखेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5। ऐसे 11 है तो 11 की पावर 3 लिखेंगे, तो 11 गुणा 11 गुणा 11। इसका क्या मतलब है कि 5 की गुणा इस 5 में करो, फिर जो संख्या आएगी उसकी गुणा फिर से 5 में करो। तो अगर 5 की गुणा हम 5 में करते हैं तो हमारे पास आता है 25। 1 5 हमारे पास फिर भी बच जाता है। अब इस 5 की हमें इस 25 में गुणा करनी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 125। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 125। जो बाकी के बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट बचे, ये चारों पार्ट आपको अपने आप इसी तरीके से करने हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उसमें दिया है फाइंड द क्यूब ऑफ द रेशनल नंबर। अभी हमने सिंपल नंबरों का क्यूब निकाला, अब दिया है आपको रेशनल नंबर का क्यूब निकालने के लिए। तो इसका क्यूब निकालने के लिए देखिए, आपको पहला पार्ट दिया है बी सी और डी। तो इसमें पहला पार्ट सिंपल है, 2 का क्यूब निकालोगे, 3 का क्यूब निकालोगे। लेकिन जो हमें बी पार्ट दिया है, इसमें एक संख्या माइनस की दी है और एक संख्या प्लस की दी है। तो अब देखिए कैसे करते हैं, -7 का क्यूब अलग निकालेंगे, 11 का क्यूब अलग निकालेंगे। -7 का -7 × -7 × -7 और 11 का हम अलग करेंगे। अब देखिए, जब हम -7 की -7 में इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 49, वो भी प्लस का, और -7 हमारा मल्टीप्लाई में ऐसे आ जाएगा। ऐसे हम 11 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 121, और फिर 11 हमारे पास ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद हमें 49 में -7 की मल्टीप्लाई करनी है। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों संख्याएँ, एक संख्या प्लस की एक माइनस की है, तो हमारे पास माइनस में आंसर आएगा। तो 7 × 63 माइनस के 3 आ गया, हासिल लगे 6, और 7 × 6 = 28, 28 और 6 हमारे होते हैं 34। तो ये आ गया हमारे पास 343 बटे, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 11 को 1 का हासिल लगा 1, 11 × 22 और 1 × 23 को 3 का हासिल लगा 2, 11 × 11 और 2 = 13, 1331 आ गया ये हमारे पास, -343 / 1331। ऐसे ही आपका सी पार्ट, डी पार्ट और ए पार्ट है। सिंपली आपको ऐसे ही ऊपर वाले का क्यूब निकालना है और नीचे वाले का क्यूब निकालना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा।